Hello everyone, this is Vinod Kumar garg and you are watching my channel Education Simplified by OCTC. So friends, topic of this video is types of biodiversity. This is the very essential topic for class 9th, 10th and all the medical students, for example plus 1, plus 2 students or the students preparing for NEET exam. So friends, here you can know that there are three types of diversity. Number one is genetic diversity, that is the difference in DNA among the individuals. ठीक है, मतलब within the species जितने भी variations हैं that are due to different set of genes that we receive from our respective parents or the ancestors. And friends, next आता है हमारा species diversity. Species diversity में क्या होता है, there is a variety of species in given area, मतलब एक ही area के अंदर कितनी तरह के animals हैं, plants हैं, insects हैं, microorganisms हैं, that type of biodiversity is called species diversity. ठीक है, मतलब number of species जो है वो एक particular area के अंदर काफी ज़्यादा हैं. And friends, next number आता है ecosystem diversity, that is the variety of habitats, मतलब हैबिटेट होता है रहने का स्थान जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है या ग्रुप्स जो है वो रहते हैं, उसको हम हैबिटेट बोलते हैं. और कितने इकोसिस्टम हैं, जैसे प्रेरीज हैं, टुंड्राज हैं, और कितनी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो भी आप नेक्स्ट इमेज में देख पा रहे हो कि ऑल दीज आर द डॉग्स बट ऑल आर लुकिंग डिफरेंट. क्यों डिफरेंट दिख रहे हैं आपको ये, बिकॉज दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स. सो फ्रेंड्स, in this pic of dogs you can understand what is exactly the genetic diversity. ठीक है, all are looking different due to different set of genes. So friends, next number आता है species diversity. इसमें क्या होता है, the variety of species per unit area, मतलब एक area के अंदर कितने number of species हैं. This include both the number of species present, मतलब कितनी total species हैं और उनका रिलेटिव प्रोपोर्शन क्या है. मतलब जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल चार स्पीसीज हैं, ठीक है, तो मान लो दो कम्युनिटी हैं, दोनों में चार चार स्पीसीज हैं, लेकिन चार स्पीसीज का आपस में जो रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, मतलब ए स्पीसीज कितनी है, बी कितनी है, सी कितनी है, डी कितनी है, ठीक है, वो भी इसका एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पार्ट है. सो फ्रेंड्स, इन दिस पिक यू कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली what is species richness and species abundance or evenness. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो community one है उसके अंदर चार types की species हैं, चारों का जो proportion है that is 25% for each. But जो community two है उसके अंदर भी four species हैं, लेकिन जो percentage है उनका proportion है, एक का 6% है, एक का 12% है, third का जो है वो 70% है और fourth का 12% है. ठीक है, so this is the exact difference. And in this pic you can understand community one has a higher species richness, मतलब चार तरह की species है इसके अंदर A, B, C, D, लेकिन जो community two है उसके अंदर भी species तो चार है, लेकिन इसमें क्या है, अगेन A species जो है वो बहुत dominating है. ठीक है, dominating मतलब 80% उसका relative proportion है, बाकियों का जो proportion है वो बहुत कम है. ठीक है, respective 5%, 5% and 10%. एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा था इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. इकोसिस्टम में जैसे कि आप इस पिक में देख पा रहे हैं इमेज में कि चार तरह के इकोसिस्टम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, डेजर्ट्स, कोरल रीफ, प्रेरीज एंड टुंड्रा. सो फ्रेंड्स, हर इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, डिफरेंट जियोग्राफी होती है. ठीक है, तो उसी के कारण मतलब जो स्पीसीज पर्टिकुलर जिस भी सेगमेंट में पाई जाती हैं, जिस भी हैबिटेट में पाई जाती हैं, वो इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग हर स्पीसीज की अपनी अडेप्टेशंस होती हैं, क्योंकि हर इकोसिस्टम में जो स्पीसीज होती है उसको सर्वाइव करना होता है. ठीक है, तो पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर सर्वाइव करने के लिए पर्टिकुलर अडेप्टेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर लानी पड़ती है. ठीक है, सो फ्रेंड्स, दिस लीड्स टू इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाई OCTC फॉर रियल